हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आई होप आप लोग सब ठीक होंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जर्मनी के अंदर और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे उन परस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के जो कि यहाँ आकर अपना मास्टर्स करना चाहते हैं यहाँ पर बैचलर्स करना चाहते हैं और यहाँ पर यूरोप में जब भी आप मास्टर्स के लिए आते हो या कहीं पर भी मास्टर्स के लिए जाते हो तो आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है आज बेसिकली मैं एक और जॉब कर रहा हूँ जो कि फ्रैंकफर्ट मैसे के अंदर है मैसे बेसिकली आप एक्सपो सेंटर समझ लो जैसे कराची के अंदर है यहाँ पे एक्जिबिशन होती हैं डिफरेंट तरीके की और यहाँ पे कुछ जॉब्स होती हैं जिनका नाम होता है स्टैंड ऑपरेटर या फिर बेसिकली स्टैंड गार्ड की तो आज जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये बेसिकली एक स्टैंड गार्ड की जॉब है यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पीछे एक पूरा का पूरा एक सेटअप लगा हुआ है ये एक इटालियन ब्रांड है जो कि एग्जिबिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर आज मेरी जो ड्यूटी है वो इस पूरे स्टैंड को लुक आफ्टर करने की है जर्मनी के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट जॉब्स करते हैं ये कुछ आउट जॉब्स में से एक जॉब है जो कि स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं इस जॉब के कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों स्टूडेंट इस जॉब को कंसिडर करते हैं तो बेसिकली ये एक इटालियन ब्रांड का स्टैंड है जिसे आज मुझे लुक आफ्टर करना है अभी बेसिकली क्लीनिंग लेडी भी आ जाएगी तो मैंने उसके साथ सफ़ाई करवानी उसको बताना है कि कहाँ कहाँ सफ़ाई करनी चाहिए उसको दूसरी बात ये है कि अभी अनाउंसमेंट होने वाली है तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ और आप देख सकते हो कि मैं ऑन ड्यूटी बेसिकली फ्लाग बना रहा हूँ तो ये थोड़ा सा फ्री एंड होता है इस जॉब के अंदर और ये कुछ यूनिफॉर्म है जो कि आपको बेसिकली मिलता है जब आप इस तरह की स्टैंड गार्ड की जॉब करते हो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैठ कर क्योंकि यहाँ पे और भी कैमरास लगे हुए हैं और आते जाते अगर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी तो भंड हो जाएगा बाय द वे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपना सेटअप किया हुआ है ये मेरा लैपटॉप है मेरा सारा सामान है ओके जी तो अब बात कर लेते हैं कि इस जॉब के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और इसे इस स्टूडेंट्स क्यों बेसिकली कंसिडर करते हैं सबसे पहला जो इसका प्रो है वो है फ्लैक्सीबिलिटी इसके अंदर आपसे आपका स्केजूअल पूछा जाता है अभी जैसे कि एग्जीबिशन लगी है चार से पाँच दिन की तो मैंने अपना स्केजूअल उनको दिया था कि मैं इवनिंग में अवेलेबल हूँ और मैं लेट नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता और मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं कर सकता तो उन्होंने मुझे छः बजे से रात साढ़े ग्यारह बजे तक की शिफ्ट दी हैं पाँच दिन तक तो ये एक इसका सबसे बड़ा प्रो है जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ये बेसिकली फ्रैंकफर्ट में से है तो डामशर्ट के भी स्टूडेंट्स आके के यहाँ पर काम करते हैं तो एक तो प्रो इसका ये है दूसरा प्रो इसका जो सबसे बड़ा मुझे प्रो लगता है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इजीली आप अप्लाई कर सकते हो दैट मींस कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपके पास टैक्स आईडी है हेल्थ इंश्योरेंस है बैंक अकाउंट है और आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन और वैलिड वर्क परमिट आपके पास अगर है तो आप सिंपली उन्हें ये ला दे सकते हो और ये आपको लाइनअप कर लेते हैं लेकिन यू हैव टू बी रियली प्रोएक्टिव आप इनसे पूछते रहोगे तभी आपको शिफ्ट मिलेंगी पहली चीज़ आपको जर्मन रिक्वायर्ड नहीं है ये यहाँ पे 90 परसेंट जो काम होता है वो इंग्लिश में भी चल जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्जिबिशंस लगी हुई होती हैं तो मोस्टली इंग्लिश के अंदर काम चल जाता है तो ये इसका सेकेंड प्रो है थर्ड प्रो इसका मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा सा सोशलाइज होते हो आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलते हो तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और ये जो जॉब है अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद इन अ मंथ और टू आ जाते हैं तो आप ये दूसरे महीने से भी काम शुरू कर सकते हो और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उन स्टूडेंट्स को उनके पास अगर ऑलरेडी वर्क परमिट है फ़र्स्ट वीज़ा के साथ तो वो बेसिकली यहाँ आके दूसरे महीने से ही काम शुरू कर सकते हैं अगर उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो एक या डेढ़ महीने के अंदर अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं और ये एक लीगल जॉब है तो आपको एक मिनिमम वेज यहाँ पे मिलती है अब थोड़ी सी कॉन्स की बात कर लेते हैं लेकिन एंगल चेंज कर लेते हैं पहला जो इस जॉब का मुझे कॉन लगता है वो ये है कि शिफ्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से अवेलेबल होती हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि लाइन अप हुआ हुआ होता है पहले से उन्होंने shifts leave ही उन्होंने शिफ्ट्स ली हुई होती हैं लेट सपोज अगर मार्च में कोई एग्जीबिशन लगनी है तो अभी से लोग स्केजुल कर लेते हैं अपनी शिफ्ट्स तो ये एक इसका थोड़ा सा कौन है जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को कंसर्न होगा दूसरा इसका सबसे बड़ा कौन ये है कि ये आप फुल टाइम नहीं कर पाते और पार्ट टाइम नहीं कर पाते आप मैक्सिमम ये जो जॉब है ये मिनी जॉब की तरह कर सकते हो लेट सपोज अगर आपको ये पार्ट टाइम का भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर एटी आवर्स पर मंथ आप काम कर सकते हो लेकिन अगर आपके पास शिफ्ट ही नहीं है पूरे महीने के अंदर तो आप 80 आवर्स पर मंथ काम नहीं कर सकते लेकिन इस जॉब को आप एज अ मिनी जॉब कंसीडर कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप डिलीवरी जॉब कर सकते हो या कोई और जॉब कर सकते हो जैसे कि मैं बेसिकली कर रहा हूँ तो ये मेरी बेसिकली सेकंड जॉब है एक तरह से और आज मेरा दूसरा ही दिन है तो मैंने सोचा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये दूसरा कौन हो गया इसका और ये भी अवेलेबिलिटी से ही कंसर्न होता है क्योंकि ये आपको ना फुल टाइम जॉब देते हैं ना पार्ट टाइम एक तरह से जॉब देते हैं क्योंकि इनके पास शिफ्ट्स का गेम है सारा तीसरा जो कौन है वो मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो लेट सपोज अमेजोन में आप अगर और जॉब कर रहे हो और आप लेट नाइट शिफ्ट करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिलता है 20 टू 25 परसेंट लेकिन इसके अंदर मैसेज के अंदर काम करने का एक थोड़ा सा कौन ये है जो कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है कि आप अगर लेट नाइट शिफ्ट करते हो तो इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता नॉर्मल ही वेज मिलती है जो कि 12 या 13 यूरो है पर आवर तो ये सारे प्रोजन कॉन्स हैं जो बेसिकली मुझे इस जॉब के लगे अगर तो आप फ्रैंकफर्ट में रहते हो या डामस्ट में रहते हो तब आप यहाँ पर आके कर मैसे के अंदर अप्लाई कर सकते हो इवन के यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो के लांगन से आते हैं मूलथाल से आते हैं और मलहैम एक जगह है वहाँ से आते हैं और डीबर्ग से आते हैं और गोज़ होमस्टार्ड से आते हैं गोज सिमर से आते हैं क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है कि जो कि ईजिली आपको बेसिकली मिल जाती है अब एक बोनस प्रो मैं आपको बताता हूँ इस जॉब का वो है फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन्स कि अब जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ आप यहाँ पर इस जॉब के साथ अपनी यूनिवर्सिटी का काम कर सकते हो नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हो लेकिन यू हैव टू बी रियली रियली एक्टिव आप सो नहीं सकते इस जॉब में आप गायब नहीं हो सकते अपने जो भी आपको एरिया दिया गया है लुक आफ्टर करने के लिए लेकिन आप बैठ कर फ़ोन यूज़ कर सकते हो किसी से बात कर सकते हो मूवीज़ देख सकते हो और मेरी तरह ब्लॉग्स बना सकते हो तो बेसिकली ये सारा सीन है ये बेसिकली मेरा कार्ड है जो कि काफ़ी देर से ऐसे उल्टा हुआ हुआ है इसको ज़रा आप इग्नोर करें लेकिन आप एक तो इनकी जैकेट पहन के काम करोगे आपका ये बैच होना लाजमी है और ये आपको कुछ पेपर्स देते हैं जो कि आपको हर वक्त अपने पास रखना पड़ता है यहाँ पे बार बार चेकिंग के लिए लोग आते हैं जो कि साइन करते हैं दैट मीन्स कि वो आपको वो भी आपको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हो या नहीं तो ये था बेसिकली मैसे से रिलेटेड एक वीडियो और ये एक बहुत अच्छी और जॉब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो आपको एक महीने में दस पंद्रह भी शिफ्ट मिल सकती हैं और अगर आप थोड़े से अनलकी हो तो आपको दो शिफ्ट भी मिल सकती हैं पूरे महीने के अंदर तो ये सीन था आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी इससे पहले कोई आए इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको इस वीडियो से क्या इन्फॉर्मेशन मिली और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आप जर्मनी के बारे में या यूरोप में स्टडीज़ के बारे में क्या जानना चाहते हो आगे भी मैं कुछ और जॉब्स पर वीडियो बनाऊँगा ये एपिसोड था हमारा और जॉब्स डिफरेंट जॉब्स इन जर्मनी से रिलेटेड मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जर्मनी में एजुकेशन के बारे में लाइफ इन जर्मनी के बारे में मेरी यूट्यूब चैनल पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं तब तक के लिए लाफिस हसन शेख साइनिंग ऑफ पीस आउट